आपको लगता है अफगानिस्तान चीन क्वाड मीट के जरिए चीन को घेरने की तैयारी या फिर पोस्ट कोविड जो स्ट्रगल है उसमें बिजनेसमैन के साथ आपके लिए सबसे बड़े टेकअवेज क्या है और कमला हैरिस से पीएम आज मिल रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? नहीं, दिस इज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर. सिर्फ इट्स द सेकंड मीटिंग, सेकंड विजिट ही इज डूइंग अब्रॉड. द क्वाड इज मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पर्सन. प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ इट्स द फर्स्ट मीटिंग दे आर डूइंग फेस टू फेस. सो फॉर ऑल दीज रीजंस आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट विजिट. बट कमला हैरिस के बारे में कुछ बताइए. मुझे लग रहा है बहुत नपे तोले शब्द में आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन एक एक्साइटमेंट इंडियन कम्युनिटी में यहाँ पर है और इंडिया में भी कमला हैरिस को लेकर. हालांकि वो भारतीय मूल कितना, अफ्रीकन कितना और कहाँ पर उनका ज्यादा अटैचमेंट है वो सब अलग की बातें हैं, लेकिन पीएम जब उनसे मिलेंगे इंटरेस्टिंग होगा. नहीं, शी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस एंड हर, यू नो, हर अटैचमेंट इज टू द यूएस. शी वाज बोर्न हियर, शी लिव्ड हियर ऑलमोस्ट ऑल हर लाइफ एक्सेप्ट फॉर कनाडा फॉर लिटिल व्हाइल. शी has a very warm attachment, it seems, to her family in India, her grandfather, grandmother particularly. She spent a lot of time with them because they helped. So I think that that's it's a very like President Obama, it's a very fascinating story. Kamala Harris, you know, how she's come, her rise. She, you know, came up from a very difficult background, and it's a very inspirational story, not just for Indian Americans and African Americans, but also for women and for girls. So the fact that she was elected, so I think that's a very inspirational story, and it's perhaps good again that the Prime Minister is meeting with her as well. ये भी दिलचस्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक वक्त पर ये पॉलिटिकल वो भी बना कि किस तरह से एक चाय वाले से वो यहां तक पहुंचे और दूसरी तरफ आप एक स्ट्रगल देखते हैं एक महिला के, कलर्ड महिला जो वाइस प्रेसिडेंट यहां पर बनती है, तो अपने आप में दे सक्सेस स्टोरीज दोनों. एंड यू नो इट इंस्पायर्स पॉलिटिक्स, इंस्पायर्स यंग पीपल, दे स्टोरीज लाइक दैट. सो टू एंटर पॉलिटिक्स टू सी इन देमसेल्व्स दैट दे कैन गो समवेयर. विदेश मंत्री साहब से आपकी बात हुई है? अपने पिता से? नहीं नहीं, आई ओनली माय चिल्ड्रन वेंट टू सी हिम. ही मेट हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, बट उसके अलावा नो, आई मीन काफी टाइट लिप्ट है. हम लोगों ने भी कोशिश की, सर आज इधर से ही निकल रहे थे, बच्चों के साथ वो खेल रहे थे यहाँ पे, आपके बच्चे थे उनके साथ वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आप नहीं मिल रहे. बट कुल मिलाकर क्योंकि हम लोगों ने आज न्यूज़पेपर्स को भी देखा, सब देखा, अगर देखें तो हम अमेरिकी मीडिया में बहुत ज्यादा बज अभी तक नहीं है, आपको इसकी क्या वजह दिखाई देती है और क्या आपको लगता है कल जब पीएम की फाइनली मीटिंग होगी जो बाइडेन से या आज कमला हैरिस से होती है उसके बाद कुछ हम देखेंगे अटेंशन? क्योंकि आज भी चाहे वो इमैनुअल मैक्रोन हो या चाइना के साथ जो फॉरेन मिनिस्टर या कुछ छोटी ऐसी अन्य खबरें तो थी, लेकिन इसको लेकर बहुत बज़ नहीं था मीडिया. नहीं, यूएस मीडिया डजंट पे अटेंशन. आई मीन आई लिव्ड इन द यूएस फॉर 20 इयर्स ऑफ एंड ऑन, एंड द यूएस मीडिया डजंट पे मच अटेंशन टू इंटरनेशनल अफेयर्स. इवन ओनली समटाइम्स ऑन द यूएस प्रेसिडेंट travels abroad or something, then yes, but otherwise it's not most Americans will not know what the Quad is. Most Americans barely know what NATO is, even though the US has been part of NATO for 70 years. So I think it'll take some time for people to understand the importance. But you know, India does not feature in the news very much here, and when it does, it's mostly for positive reasons. I think most people have a very good you know, most Americans think very highly of Indians because they see the Indian American community, they know people. लोग मोदी को बहुत जानते हैं यहाँ पे. मैं तो कितने अमेरिकन्स को देखे, अभी एक व्यक्ति आए, उन्होंने पूछा व्हाट इज हैपनिंग, तो हमने बताया कि पीएम मोदी अंदर में, तो ही इज इनसाइड मोदी मोदी, सो ही स्टार्टेड डूइंग दैट. तो लोगों को प्रधानमंत्री मोदी को लेकर काफी अब जानकारी हो गई है, मुझे लगता है कहाँ कहाँ पर मैडिसन स्क्वायर, कहाँ कहाँ बड़े बड़े इवेंट्स हुए इसके बाद दे नो. नो, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ इंडियाज राइज ऑल्सो. As India, you know, India's, as the more India's economy grows, the more you know, I meet people all the time. They have a company, they do business in India, an American company, and not just in Washington or New York or California, but in the middle of America. People again, they have friends who are, they studied with Indians, so again, the mostly people have a positive association with India. Dhruv, Afghanistan par charcha aapko lagta hai ki hogi yahan par? देखेंगे, we'll see. No, Afghanistan is a very difficult situation, and I think the US. पर इंडिया के लिए तो इट्स एन इम्पोर्टेंट इशू. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तो भूल जाना चाहते हैं, जल्दी भूलो, हमारी सेना वापस आ गई है, अब खत्म काम. लेकिन इंडिया तो चिंतित है क्योंकि पाकिस्तान है, तालिबान है, टेररिज्म का गढ़ वो बनेगा. तो आपको लगता है इंडिया रेस कर पाएगा? नहीं, बट रेस फॉर व्हाट रीजन? आई मीन द यूएस इज आउट नाउ, एंड द यूएस डज नॉट हैव द मिलिटरी लेवरेज दैट इट हैड फ्यू मंथ्स अगो इवन.
So there's some coordination, I think, on diplomatic coordination. I think that has been very positive at the UN Security Council, US and India. And India had the presidency of the UN Security Council. So India and the US worked closely together to ensure that the Taliban had benchmarks and criteria for what they should do to get sanctions relief, allow for Taliban leaders to leave the country. So there's now a set of criteria. The Taliban does not seem interested in meeting it, but US and India, I think, are working quite closely together, along with other countries on Afghanistan. वो decide तो करना होगा कि और आप recognize करेंगे नहीं करेंगे तालिबान की गर्म सर. बाद में that will happen later. That will happen later. I think that is not an immediate issue. लेकिन अगर साफ foreign ministers की meeting इसीलिए cancel हुई क्योंकि Pakistan was insisting कि तालिबान के ministers को अब UN global terrorist जो designated है उसको visa कैसे मिलेगा अमेरिका आने का? नहीं, न्यूयॉर्क में बैठे. Pakistan insists on a lot of things, and look, you know, I've been following India-Pakistan relations for 15 plus years, and even if you look before, you know, Pakistan has done things at times, including, you know, meetings. Then the National Security Advisor Sartaj Aziz came to India. He did a meeting with the Hurriyat. He did not have to do that. He did that very deliberately, knowing that this would undercut India-Pakistan dialogue. So, I see this is part of the games that Pakistan plays. We shouldn't, you know, obviously not accept that. And I think India's position is quite clear on the subject, and it's not just India, the other SAARC members also agreed with India's position on this. But America zarur chahega ki China ko uski had mein control mein rakhne ke liye India ke saath China ke issue ko aap utte dekh rahe. US-China relations are actually in a very difficult position now, and I think they look like they will get worse. China is not budging. China is not changing its position on issues. The US has made it quite clear that I think the growing understanding that US and China cannot work together on many issues. There's some issues that will continue to work. So I think that is the longer story, and even economically, I think we'll see less and less trade and investment between the US and China. The question, I think, is can India take advantage of that in some ways? Can India attract investment in the way that China once did? And that, I think, is a more difficult conversation to have, and not between the US and India. That's a conversation for Indians to have. सबसे बड़ा टेक अवे आपके लिए, सबसे बड़ी चीज आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि अब फिर जब वो जाएंगे तो जाहिर तौर पर मीडिया में कवर होगा कि क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या होगा, कोई फायदा दिखता है? नहीं नहीं, द बिगेस्ट थिंग इज द क्वाड इज मीटिंग. And, you know, for years, people have been saying Quad is nothing, India is not serious about it, US is not serious about it, something is going wrong. Meeting in person at a high level, at the top, you know, in 2007 and 2017, also, they met as a joint secretary. It was a joint secretary from the Indian government who came, and assistant secretary from the US government. Up to, you know, it's gone up to head of government level. So it's, I think that the big thing is to show that this is serious, and all four parties are going to agree on some very concrete ideas. They did that in the first summit in March, you know, vaccines particularly. We'll see tomorrow that what are the concrete deliverables that they will. एक non-related और आखिरी question जो मैं ध्रुव आपसे पूछना चाहती हूँ वो है vaccines को लेकर, क्योंकि इंडिया के जो वैक्सीन है, कोवैक्सिन है, कोविशील्ड है, उनको रिकग्निशन अभी तक यहाँ पर नहीं मिली है. मुझे लगता है ये भी डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. हमारे सिटीजन्स को इतनी दिक्कत हो रही है, वो यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो बोलेंगे काहे कि ये दोस्ती, ये फोटोशूट, ये फोटो ऑप्स, हम तो, हमारा बच्चा वहां पढ़ रहा है, हम तो जी देखने नहीं जा सकते. उस पर कुछ कॉन्क्रीट करना चाहिए सरकार को. दिस इज, आई थिंक, यू नो, इफ यू लुक एट एवरी रीड आउट बिटवीन द यूएस एंड इंडियन गवर्नमेंट्स ओवर द लास्ट 15 ईयर एंड हाफ, vaccines and COVID has been the number one issue, even sometimes more than Afghanistan, even more than China. So I think it's a very serious issue. It's been taken up at the highest levels. Everything from vaccine production, you know, providing supplies to India so that India can make its own vaccines. That was an issue 6 months back, and the US finally made some adjustments. And now I think this issue of travel will come up. I think it's in the interest of everybody for the US government to understand, and India should obviously make the case to the US that you know, these are vaccinated, that there's a good record keeping on the Indian side, unlike in some other countries, so it is being taken seriously, that these vaccines are effective. In fact, one of them is AstraZeneca, which has been developed in the US, in the UK, and that it's in the US's best interest that Indians should be allowed to travel here, because, you know, you have more than almost 2 lakh students who study here.
You have tourists, you have business people who want to come here to do business. So the more you can facilitate this, the more we can actually work together. Trump aur Modi mein jo hum logon ne ek chemistry dekhi thi, waisi chemistry aap Biden aur Modi mein dekh rahe hain? Dekhenge kab? Lagta hai aapko ki hoga? Pata nahi.